बीजेपी युवा नेता और प्रभाग 30 के भावी प्रत्याशी पांडुरंग आमले के जन्मदिन पर सनपाड़ा में कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे, जिला अध्यक्ष रामचंद्र गरत और जिला महामंत्री विजय घाटे समेत तमाम पदाधिकारियों और समर्थकों ने पांडुरंग आमले के जनसेवी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। पांडुरंग आमले एक भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते हुए कार्यकर्ते म्हणून आता प्रसिद्ध होत चालले। आज पांडुरंग आमले जी 45 वर्षाचे झाले, आशीर्वाद दिला की पुढचं भावी जीवन असं समाज कार्यामध्ये त्यांचं लाभू दे। शून्यातून एक कार्यकर्ता डेव्हलप होताना उत्कृष्ट उदाहरण आपण बघू शकतो। नवी मुंबई सनपाड़ा में बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले का जन्मदिन सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। बाबू गेणु मैदान में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले ने केक काटा और सैकड़ों समर्थकों और चाहने वालों की शुभकामनाएं स्वीकार की। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, जिला महामंत्री विजय घाटे, जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप, उत्तर भारतीय मोर्चा के नवीनबई जिलाध्यक्ष राजेश राय और महामंत्री सतीश निकम खास तौर पर मौजूद थे। यहां विविध सांस्कृतिक और खेल स्पर्धाओं के विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी नेताओं ने युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले द्वारा प्रभाग 23 में चलाए जा रहे सामाजिक उपक्रमों और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने जन्मदिन की शुभेच्छा देते हुए विश्वास जताया कि पांडुरंग आमले का यह जनसेवा कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। त्यांना सर्वप्रथम मी तुमच्या माध्यमातून जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो, कोटी कोटी शुभेच्छा देतो। पांडुरंग आमले एक भारतीय जनता पार्टीचे एक उभरते हुए कार्यकर्ते म्हणून आता प्रसिद्ध होत चाललेत। त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम राबवण्याचं सपाटा लावलेलं आहे। त्यांच्यामागे महिलांचं खूप मोठ्या प्रमाणात ताकद आहे आणि ज्यांच्यामागे महिलांची ताकद असते त्याला कोणीही हरू शकत नाही, तो नेहमी विजयी होतो। आणि अशा प्रकारचं काम आमले यांच्या माध्यमातून सुरू आहे। मी आमले यांना पुढच्या राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। आज पांडुरंग आमले जे 45 वर्षाचे झाले, त्यामुळे मी आणि आमचे जिल्हाध्यक्ष घरत साहेब यांनी त्यांना आशीर्वाद दिला की पुढचं भावी जीवन असं समाज कार्यामध्ये त्यांचं लाभू दे। क्रीडा महोत्सव आजपर्यंत या सनपाडा विभागात कधी कोणी घेतलं नव्हतं। विविध महिलांचे उपक्रम असतील, मुलांचे असतील, कुकिंग स्पर्धा असतील, वेगवेगळ्या स्पर्धा, क्रिकेट स्पर्धा घेऊन सामाजिक कार्यक्रमातून पांडुरंग आमले आज ह्या सनपाडा विभागामध्ये पुढे चाललेले आहेत आणि असंच त्यांनी काम कार्यरत करत राहावं अशी आमची त्यांना त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाला शुभेच्छा आहे। शून्यातून एक कार्यकर्ता डेव्हलप होताना पूर्ण आमचे वरिष्ठ नेते मंडळी वगैरे सगळे हे घडवत असतात कार्यकर्त्याला, त्याचं एक उत्कृष्ट उदाहरण आपण बघू शकतो। पण राजकारण व्यतिरिक्त जे काही चालले समाजाला उपयोगी असं जे काही आहे, कोरोना काळ अतिशय वाईट फेस गेलेला आहे, त्याच्यामध्येही त्यांनी प्रचंड काम केलेलं आहे। आणि ह्यावेळेला कोरोना ज्या वेळेला गेला, म्हणजे गेल्या 2-3 दिवसात दोन पेशंट असं जेव्हा लेवलला आपण आलो आहे, अशा वेळेला लोकांना घरातून बाहेर पडायचं आहे पण नेमकं काय करायचं माहीत नाही, अशा वेळेला 5 दिवसाचा त्यांनी तो कार्यक्रम आयोजित केला। आज लोकांच्या चेहऱ्यावर बघितलं, खास करून महिलांच्या चेहऱ्यावर बघितलं, म्हणजे एखादी महिला ज्या वेळेला माहेरवाशीण म्हणून येते त्यावेळेला ती ज्या पद्धतीने फ्री वागते तसं आज ते सगळं वागतात आहे। वही खुद युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले ने जन्मदिन पर मिले हजारों समर्थकों के प्यार और अपने नेताओं के आशीर्वाद के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनका मकसद सनपाड़ा प्रभाग 30 की जनता की सेवा और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिसकी उन्हें जरूरत है। पांडुरंग आमले ने विश्वास जताया कि जिस तरह उन्हें जन्मदिन पर जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला है, उसी तरह मनपा चुनाव में भी उनका वही प्यार और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मेरा जो बर्थडे है वो एक निमित्त था, बट आदरणीय आमदार हमारे मंदाताई मात्रे जी, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हमने ये क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया था। और सही में कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का अगर आप कुछ सुनते हो तो उसका फ़ायदा होता है, और वही फ़ायदा आज मुझे हुआ है। बच्चों से लेके ज्येष्ठ नागरिक तक सबके तरह तरह की हमने स्पर्धाएँ लिए थी और जिसका बहुत सा प्रोत्साहन उनको हमने दिया और जिसका हमने देखा कि हमें बहुत सारा रिस्पॉन्स आया है।
आपको तो पता ही है कि सनपाड़ा प्रभाग क्रमांक 30 में मेरे चाहने वाले लोग बहुत हैं और विरोध करने वाले लोग भी बहुत हैं। तो जितना विरोध होगा उतना प्यार बढ़ेगा और ये प्यार आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये अपना है, ये हमारा है और एक बच्चे जैसा है, एक भाई जैसा है, एक मित्र जैसा है। तो उनके साथ मेरा डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और उसी कारण ये जनता चाहती है कि ऐसा कोई प्रतिनिधि हमें चाहिए और अगर उन्होंने मुझे चांस दिया तो उनकी जो भी आशा है वो मैं पूरी तरह की कोशिश करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।